अगर आप अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हो तो फीडबैक सही से देना पड़ेगा। जब तक हम लोगों ने इस चार स्टेप के फ्रेमवर्क को इस्तेमाल नहीं किया तब तक हम लोग सही फीडबैक नहीं दे पाए और अपनी टीम को ग्रो नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो चार स्टेप्स जिसके बाद आपको कभी भी अपनी टीम के साथ डिफिकल्ट कन्वर्सेशन करने में, फीडबैक देने में दिक्कत नहीं होगी, तो मेरे साथ रुकिएगा। सो फीडबैक देना एक बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट स्किल होती है, उसके चार पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं रेडी करना अपने लोगों को। तो कई बार हम ये वाली गलती करते थे कि हमारा कोई एम्प्लॉई अगर सही काम नहीं कर रहा था तो हमें कभी कभी डर लगता था कि यार इसे मैंने अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो ये चला जाएगा। तो जब मैं उसे फीडबैक देता था तो मुझे डर लगता था कि उससे कुछ टेढ़ा ना बोल दूं, तो बड़े सॉफ्टली बोलता था। तो मैं सॉफ्टली बोलता था तो शायद उसे हवा ही नहीं लगती थी क्या होता। तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है उसे कहते हैं गेट रेडी। इसका मतलब आप उसके पास जाओगे और उससे कहोगे कि भाई क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, मुझे तुमसे 5 मिनट बात करनी है थोड़ी सी। आपके पास इसका आंसर या सर, तो इससे उस आदमी को पता लग जाता है कि भाई कुछ आने वाला है और आप कुछ कहने वाले हो, तो वो थोड़ा सा रेडी हो जाता है। Now, step number 2 होता है, आपको जो फीडबैक देना वो डेटा पॉइंट से देना। हम लोग क्या गलती करते थे, जैसे किसी से मान लीजिए किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव को हम लोग फीडबैक देना, जब हम सेल्स एग्जीक्यूटिव को हम कहते हैं यार तू उस बढ़िया सेल्स नहीं कर रहा है और तेरे यार रिजल्ट बढ़िया नहीं आ रहे, थोड़ी मेहनत। ये बड़ा ऐसा फीडबैक है जिसमें उसके पास कोई तरीका नहीं है उसे बेटर करने का। तो इस वाली चीज को करने के लिए आपको डेटा पॉइंट इस्तेमाल करना है। डेटा पॉइंट आप इस तरीके से इस्तेमाल करोगे और इस तरीके से कहोगे जैसे आ रहा हूं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सेल्स वाले की एक लिस्ट बनाओगे, भाई सेल्स वाले को क्या क्या आना चाहिए। तो ऐसे करके जैसे मैं बताता हूं, सेल्स वाले को भाई प्रोस्पेक्टिंग आनी चाहिए, लीड को स्टोर करना आना चाहिए, लीड को कॉन्टैक्ट करना आना चाहिए, लीड को क्वालिफाई करना आना चाहिए, रिक्वायरमेंट समझना आना चाहिए, उसे कस्टमर को प्रपोजल देना आना चाहिए, उसके बाद कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को मैनेज करना आना चाहिए, उसे कस्टमर से नेगोशिएट करना आना चाहिए, उसे कस्टमर से क्लोजर करना आना चाहिए, क्लोज नहीं हुआ तो फॉलो अप करना आना चाहिए, और नहीं आना चाहिए। तो आप देखोगे ऐसे के सारे डेटा पॉइंट है। तो मैं उससे ये नहीं कहूंगा कि भाई जो तेरी सेल्स है वो खराब चल रही है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह मैं बात करूंगा। मैं उससे कहूंगा यार तुम्हारी सेल्स जो है वो थोड़ी सी खराब चल रही है, सो मैंने तुम्हारी सेल्स की स्क्रिप्ट को रिव्यू किया और मैंने पाया या तुम लीड को सही टाइम पे रीच आउट करते हो और तुम उससे रिक्वायरमेंट भी सही से समझ लेते हो, मैंने देखा तुम प्रपोजल भी बढ़िया बना के देते हो, लेकिन यार जो कस्टमर के ऑब्जेक्शंस हैं ये तुम सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, खासकर कस्टमर के प्राइस का ऑब्जेक्शन। तो कस्टमर जब तुमसे कहता है कि यार तुम्हारा प्राइस महंगा है तो तुम थोड़ा सा हिचकिचाते हो, सही जवाब नहीं देते। तो यहां पे आपने क्या कहा, पिन पॉइंटेड फीडबैक दिया जिस पे उसे काम करना है। अब इससे आप स्टेप नंबर 3 में जाते हो। तो स्टेप नंबर 3 में जब आप जाते हो उसका मतलब होता है इंपैक्ट। ये जो गलती कर रहा है वो आदमी उससे इंपैक्ट क्या हो। तब आप उससे कहोगे कि भाई देखो तुमने इतनी मेहनत करी, कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ ली, तुमने उसे प्रपोजल भी दे दिया, लेकिन क्योंकि तुम सही से ऑब्जेक्शन मैनेज नहीं कर पा रहे हो, खासकर ये प्राइस का ऑब्जेक्शन, इसकी वजह से तुम्हारी सेल खराब हो रही है। तो तुम्हारी जितनी मेहनत है वो सारी की सारी मेहनत जो है वो पानी में मिल जा रही है। इसलिए यार ये एक एरिया है जिस पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा साथ में। ये हुआ स्टेप नंबर 3, मतलब इंपैक्ट बताना। उसके बाद होता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में अब आप उसके सामने एक ओपन क्वेश्चन रखते हैं। आपको ये वाली चीज इंश्योर करनी है कि वो जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ से आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसे बताया कि यार ये करो तो इस चीज में उसका बाय-इन नहीं होगा, हो सकता है उस चीज से अग्री ना हो। तो इस वाली चीज में चौथे जो स्टेप होता है इसके कहते हैं अग्रीमेंट। और इस अग्रीमेंट में आप सबसे पहले 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहले आप उससे कहते हो यार सबसे पहले मुझे बताओ क्या तुम अग्री करते हो, इसमें लेना आपको यस। और उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे बताओ यार कि क्या करा जा सकता है इस वाली चीज को बेटर करने के लिए। सो आप यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो उसी से निकालने की कोशिश करोगे कि भाई आप मुझे बताओ सॉल्यूशन क्या है, और उसे उस तरफ पुश करोगे, क्योंकि जब उसकी तरफ से सॉल्यूशन आएगा तो आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आप उससे कहोगे या तुम मुझे बता। तो अगर वो स्ट्रगल कर रहा तब आप सजेशन दे सकते हो। तो आप जैसे इस केस में ये सजेशन दे सकते हो कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यार सेल्स की जो ऑब्जेक्शन है इस वाली चीज के अराउंड ट्रेनिंग करवा लेते, एक प्राइसिंग की ट्रेनिंग करवा लेते हैं कि कस्टमर कोई तुमसे अगर प्राइस ऑब्जेक्शन दे रहा तो क्या करना चाहिए, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब आपने वाला सॉल्यूशन दिया उसके बाद फिर से आप उससे पूछोगे अब आप मुझे बताओ आपका सुझाव क्या, व्हाट डू यू थिंक। और इस वाली चीज में आपको एंश्योर करना इस वाली चीज के बाद शांत हो जाना है और एंश्योर करना है कि उसे ये वाली बात समझ में आ गई। जब उसे ये वाली बात समझ में आ गई तब आप कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाओगे और उससे कहोगे यार अगर इस वाली चीज पर हमने काम कर लिया तो हमारी चीजें बेटर हो जाएगी। तो आप देखोगे इस तरीके से जो लोग होते हैं वो रिसेप्टिव होते हैं। और एक लाइन याद रखिएगा, वो लाइन ये है कि आपको गलती से प्रॉब्लम है, गलती करने वाले से प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वाली चीज को हमेशा याद रखिएगा, हमेशा गलती पे अपना फोकस रखिए और इसी 4 स्टेप्स को फॉलो करके अपना फीडबैक दीजिए। आप देखिए आपकी टीम झटाझट तैयार होना शुरू हो।